आज तो हमारे बात बहुत गड़बड़ भाई बाप पहली लाइन में कहा था बताओ कहा था कि मर चाहे मर भगाना छोड़ के दुश्मन के यही है बाबू दुनिया के फोड़ के दिखाइया जिले के चाहिसान से दिखाइया जिले के चाहिसान से पप्पू भैया सब दर्शक देखत बाटे यहाँ पे देखा लोग कोने तरीके से आज पप्पू निषाद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1,00,000 पार करत बाटे और जकरे खुशी में जो लोग जश्न मनावता अभी गुलाल उड़ावता का कहबा पहलवान भैया। सबसे पहले तो यहाँ जनता बहुत आशीर्वाद दिया दुआबा से लेके आलापुर खजनी पांचों विधानसभा पप्पू के लिए जीव जान लगा दिया और पप्पू बनकर सब लोग चुनाव लड़े हैं। हाँ, कोई ये समाजवादी पार्टी नहीं सोचा है, सब पप्पू बनकर चुनाव लड़ा है। और जो परवीन निषाद थे, परवीन निषाद 5 साल यहाँ पूर्व पच्छू नहीं मालूम है, उनको केवल एक गांव मालूम है परवीन निषाद को, ये मोहम्मदपुर कटार जहाँ उनके बाप की नाक कटी थी, वही केवल दिन उनको याद है। 25 तारीख को जब वोट पड़ा है उसी दिन उनको राप्ती पार कर दिया गया। आज निषाद भाई चले जाइए, आप देख लीजिए पत्रकार महोदय, तुरकोलिया जब बांध कटा था तो ये लोग कभी देखने नहीं गए, ये लोग कभी देखने नहीं गए। 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार थी, जब बंधा कटा तो गरीबों का कोठी लिंटर पक्का मकान बन गया। रमजगला में जाते होंगे तो देखते होंगे क्या रहाइश बन गई है। आए गए 5 साल के अंदर जो झोपड़ी बनाकर बेचारा तम्बू टान कर पल्ली लगाकर बंधा रहता है उसका क्या दुर्गत है। निषाद भाई आज रो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इनको हरदी लगाई थी गोरखपुर में, जब दो जूता पाए तो भाग गए बीजेपी में। ये परवीन निषाद गोरखपुर में पहली बार सांसद अगर कोई बना है योगी आदित्यनाथ के सामने तो समाजवादी पार्टी से परवीन निषाद बने थे अखिलेश यादव का आशीर्वाद। उसके बाद महोदय ये जब समाजवादी छोड़कर चले गए बीजेपी में उसी दिन इनका दुर्गत आ गया। ये बाप बेटा घूमते थे, ये मंत्री बन गए थे, ये थाली से टिकट देते हैं 25 करोड़ 25 लाख, हर जगह टिकट बांधते हैं पैसा लेकर। ये निषादों का मान सम्मान नहीं रखे कभी, निषाद पार्टियों का जन्ना दावा किया। एक ओम प्रकाश राजभर है, वो भी अवकाश से बहुत बाहर बोलता है। अरे ओम प्रकाश राजभर साइकिल का छुच्ची थैली में लेके चल गया। राकेश राजभर जो लेके चला गया उसका बेटा जो है अरविंद जो राजभर है उसको 2 मुक्का ठूस लगाए हैं। आप देखे होंगे पत्रकार साहब, मोदी जी ने 2 ठूसा लगाए उसके पीछे भागने लगे और वहां से तो ओम प्रकाश पासवान ने, ओम प्रकाश जो राजभर है वो तो सारे इज्जत ले लिए बेचारे भरों का, जाके पैर छान लिए, रोने लगे, भर कहे ऐसा राजनीति नहीं करना चाहिए, एक टिकट एक सांसद के लिए सब भरों का बेइज्जती मत करो। इसलिए भर वहाँ एक टूट पड़े समाजवादी पर, उड़ दिए साइकिल पर। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और भी लोग बता कैसन जश्न मनावत। सबसे पहले तो मैं संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर हमारे समाजवादी के प्रत्याशी पप्पू निषाद को भारी भरकम मतों से विजयी बनाया। की बार 400 पार, यह संत कबीर नगर की जनता की जीत है। इस जीत से पिछड़ा दलित अल्पसंख्या सब खुशहाल है, सभी लोग खुशी हैं इस जीत से। और पीडीए का जो नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था उसको संत कबीर नगर की जनता ने खुशहाल बनाया, स्वच्छ सुंदर बनाया। कब आपकी बार 400 पार? अरे अब की बार 400 पार, 400 हार हो रहा है, नहीं देख रहे हैं। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश चाचा मिला और नीतीश चाचा पलटू चाचा फिर आएंगे, पलटा जब फिर गए थे। आपको क्या लग रहा है अब की बार? अब की रेल अमरेल चला तो मोदी जी के ऊपर रुकाना बन रहा है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करी के भूल जाते हो। कौन धोखेबाज है? कौन जी? तुम तो मोदी रोज रोज ऐसा करोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे।
बड़ चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो मोदी जनता को फिर ऐसे सताओगे, जनता रूठ जाएगी तो चाय बनाओगे। वादा करके भूल जाते हो। भैया हो, हम खैलाबाद में बाटी और खैलाबाद में मतगणना स्थल के बगल में समाजवादी पार्टी के लोग जीत का जश्न मनावता। और पप्पू कहत बाटे दिल्ली पहुंचे वाला बाटे, लेकिन अब है कुछ दूर भाव है, कहो नहीं पार हो जाए। पार 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 हो एक पानी के जगह बहाते पे खुनवा रे। अरे जब ले न पी अम्बा नहीं बन तब ले तोले बुनवा रे। कोने तरीके से नौजवान एकदम हुकार मचा दिल बाटे और नौजवान कहत बाटे लाख के पार। पप्पू निषाद पहुंचत बाटे और जकरी खुशी में लोग जश्न मनावता, डीजे बजावता और भांगड़ा बजावता, अबीर गुलाल लगावता। बनल रहो चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।